हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होली हो और दही बड़े ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रुई जैसे सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप उड़द की दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। आपके पास टाइम कम है तो आप चाहें 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दीजिए, ये बिल्कुल अच्छे से खिल जाती है। आप यहाँ पे चाहें तो उड़द की दाल के जगह हाफ उड़द की दाल हाफ मूंग की दाल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। अब मैं इसे मिक्सी की जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे हमें यहाँ पे इस तरह से पेस्ट बनाना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना है इसका, हल्का सा दरदरा रहे, और पीसते समय ज़्यादा पानी न डालें। और इसके बाद अब इसे अच्छी तरह से फेंटना है हमें, जिससे कि हमारा जो ये उड़द का पेस्ट है वो फूल जाएगा अच्छा से और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह से कम लगभग 5 मिनट तक आपको फेंटना है। और ये देखिए, फेंटते फेंटते इसका कलर भी चेंज हो गया और ये ऊपर तक आ गया है, फूल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि इसे कैसे हमें चेक करना है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी लिया है। अब इसमें मैं एक छोटा सा बॉल इस पेस्ट का डालूँगी, उड़द की दाल का, जो कि बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, मतलब आपके वड़े अच्छे खिले खिले और सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, फेंटने के बाद ही ऐसा होगा। अगर आप तुरंत मिक्सी की जार से निकाल के देखेंगे तो वो बिल्कुल नीचे रह जाएगा। काफ़ी अच्छा बैटर हमारा फूल चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच हींग पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी बारीक कटी हरी धनिया और 1 हरी मिर्च और नमक टेस्ट के अनुसार डाल के सबको अच्छा मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं दही बड़े में यूज़ किया जाने वाला स्पेशल मसाला की रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मिक्सचर दही बड़े का रेडी है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए कढ़ाई को गैस पे रख के मैंने उसे तेल को गर्म कर लिया है, और जब हम बड़े को डालेंगे तो इसकी आँच मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, वरना आपके बड़े ऊपर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पके होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसे ट्रेडिशनल तरीके से किस तरह से शेप देना है और डालना है। ये देखिए, मैंने हाथों पे हथेलियों पे पानी लगा लिया, और पानी लगाने के बाद इस तरह से बैटर को लेके दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर लिया और सिर्फ इसी तरह से आपको ले लेके डालते जाना है। अगर आप बिल्कुल गोल शेप चाहते हैं तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, जो कि दही भल्ले की तरह से बनेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं दही बड़ा बना रही हूँ तो इस तरह से बनाया है मैंने। बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो इससे क्या होता है कि आपके बड़े जो है अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि इसमें बीच में हमने सर्कल बना दिया है ना, तो ये शेप देने का रीज़न यही है बड़े का। कढ़ाई में बड़े को डालने के बाद 2 मिनट तक के लिए इंतज़ार करें, नहीं तो देखिए बड़े इस तरह से चिपक जाते हैं, तो उसे बिल्कुल टच ना करें। बड़े को छानते समय आँच मीडियम ही रखें, मीडियम आँच पे धीरे धीरे करके इसे छानना है। यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बड़े ऊपर से तो पक जाएंगे, दिखेंगे कि पके हुए हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, जो कि स्वाद भी ख़राब लगेगा और हेल्दी भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस होली पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखिए, बड़े के ऊपर इस तरह से ऑयल डाल के हमें ऊपर की साइड भी पकाते रहना है, जिससे कि जब हम इन वड़ों को पलटेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। ऊपर से जब पक जाए, हल्के से पक जाए, तो इस तरह से पलट दें। इस तरह से ध्यान देके हमें वड़ों को पकाना है।
वड़े यहाँ पे बनके रेडी हो गए हैं। इसका कलर भी अच्छा चेंज हो गया है। इसे पकाते हुए मुझे 3 से 3.5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे हम छान के बाहर निकाल लेते हैं। और अब मैं दूसरे बैच में जब फ्राई करूँगी तो इसके भल्ले बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बैटर को डालना है कढ़ाई में हाथ में लेके, और लास्ट में ये इसका कोन शेप ना निकले तो इस तरह से छोड़ते जाइए। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप चम्मच की सहायता ले सकते हैं, चम्मच से डालिए। ये भी खाने में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल इसका शेप आपके आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, ये दही बड़े की रेसिपी इसलिए भी बहुत अच्छी है कि होली के दिन आप बिज़ी हैं तो इसे एक दिन पहले भी बना करके बड़ों को छान करके एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और होली के दिन आप इसे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से ये 3 से 4 दिन तक फ्रिज में चल जाते हैं। और जब भी आपको सर्व करना है तो उतने पीसेस बाहर निकाल के आप इसे पानी में इस तरह से रेडी करके रख लें। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी अच्छा बॉयल हो गया है। अब फ्लेम बंद करके उसमें हल्का नमक डाल के हम वड़ों को रख देंगे। ढक के रखना है हमें यहाँ पे 20 मिनट के करीब, तो वड़े हमारे अच्छी तरह से फिर से रिफ़्रेश हो जाएंगे और उनका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है। अब 20 मिनट के बाद इसे जब हम खोलेंगे तो देखिए बढ़िया कलर चेंज हो गया। और इस तरह से हम इसे निचोड़ लेंगे इसका पूरा पानी, और जिस तरह से इसने पानी ऑब्जर्व किया है आप समझ सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और नरम बना होगा। बाकी बच्चे बड़ों को भी इसी तरह से निचोड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। तो बड़े हमारे अब रेडी हैं। अब इसके बाद हमें इसकी दही बनानी है और कुछ मसाले बनाने हैं और कुछ चटनी सर्व करने के लिए। तो दही बड़े की दही हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। आप अगर दही को फेंट लेंगे तो ऊपर उसका फैट आ जाएगा, तो वैसा बिल्कुल ना करें। दही को छन्नी की सहायता से इस तरह से लेके उसे अच्छा छान लें जिससे दही बिल्कुल एक सार हो जाए। क्योंकि दही को आप अगर स्पून से ऐसे ही फेंट देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दरदरे दाने जैसा दिखता है और ये जो है बिल्कुल एक सार दही हो जाती है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, करना ना भूलें दोस्तों। इस तरह से करके आप पूरी दही तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक सार दही हुई है, फैट ऊपर नीचे नहीं। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार जितनी मात्रा दही की ले रहे हैं उस तरह से डाल दें। तो हमारे अब बड़े और दही तैयार हो गई है। अब इसका हम मसाला बना लेते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने जीरे को ड्राई रोस्ट किया है। जीरा अच्छा जब ड्राई रोस्ट हो जाए, आँच बिल्कुल धीमी रखना है क्योंकि जीरा बहुत तेज़ी से जल जाता है। अब यहाँ मैं सूखी साबुत लाल मिर्च को भी भून लूँगी, उसे भी बिल्कुल धीमी आँच पे भूनना है। देखिए मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका अब हम एक बारीक पाउडर बना लेंगे जीरा और मिर्च का। अब यहाँ पे मैं डालूँगी काला नमक का पाउडर। अगर काला नमक आपके पास टुकड़े वाला है तो उसे भी मिक्सी की जार में डाल के एक साथ आप ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे अब हमारा दही बड़े का मसाला रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। यहाँ पे इसे सर्व करने के लिए मैंने हरी धनिया की चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप दही भल्ले या दही बड़े सर्व करते समय ये स्टेप भी अवॉइड ना करें। आप ज़रूर ये मीठी चटनी और पुदीना और हरी धनिया की चटनी के साथ ही सर्व करें। इसका टेस्ट दुगना हो जाता है और बिल्कुल ये बाजार वाले दही भल्ले का फ्लेवर देंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना जीरा मसाला जो मैंने बनाया था। देखिए बने हैं ना यम्मी टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाले रुई जैसे बिल्कुल सॉफ्ट और नरम दही भल्ले। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए और आई एम श्योर आप इसका बिल्कुल आनंद उठाएंगे बनाने के बाद।
बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है दही भल्ले की। तो चलिए अब मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, नरम। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए इस होली। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में। फ्रेंड्स, हैप्पी होली एंड सेफ होली इन एडवांस।